आफ्टरनून, आप सभी का फिर से स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। हम डील कर रहे हैं करंट अफेयर्स। कल हमने डील किया था अगस्त के दूसरे हफ्ते के लिए जो राजकीय समसामयिकी हमारे लिए महत्वपूर्ण रही है। आज हम देखने की कोशिश करते हैं उनके आधार पर हम कैसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के कितने आयुष ग्राम बनाए जाने हैं? हाउ मेनी आयुष ग्राम्स आर टू बी सेट आर सेट टू बी बिल्ड इन छत्तीसगढ़ अंडर नेशनल आयुष मिशन? ऑप्शन ए 146, ऑप्शन बी 177, ऑप्शन सी 33 या फिर ऑप्शन नंबर डी 10580। का जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 146। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत ब्लॉक स्तर पर या फिर विकास खंड स्तर पर ब्लॉक लेवल पर एक ग्राम चिन्हांकित किया जाएगा, क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा किस नाम से? आयुष ग्राम। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण। अगला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग्स द फॉलोइंग बैडमिंटन प्लेयर ऑफ छत्तीसगढ़ क्लिंच्ड गोल्ड मेडल एट ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप रिसेंटली ऑर्गेनाइज, यानी कि हाल ही में भुवनेश्वर में भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित अखिल भारतीय जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने क्या किया है, स्वर्ण पदक हासिल किया है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शिखर सोलोमन, ऑप्शन नंबर बी है रौनक चौहान, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ने ही यानी कि शिखर सोलोमन ने भी और रौनक चौहान ने भी, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से किसी नहीं। तो किसने या फिर किसने किसने गोल्ड मेडल जीता है ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी? ये भुवनेश्वर है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रौनक चौहान। रौनक चौहान ने क्या किया है, बैडमिंटन के ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रेसलर ऑफ छत्तीसगढ़ वॉन अ सिल्वर मेडल एट नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस रेसलर ने नेशनल यानी राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रौनक चौहान, ऑप्शन नंबर बी है शिखर सोलोमन, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। और ये जो आर्म रेसलिंग का नेशनल चैंपियनशिप था ये आयोजित कराया गया था कहां पर, रायपुर। और इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिखर सोलोमन ने इसमें क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, When is नाग पंचमी celebrated? नाग पंचमी कब मनाई जाती है, सावन कृष्ण पंचमी, सावन अमावस्या, सावन शुक्ल पंचमी या फिर सावन पूर्णिमा में, इनमें से कौन से दिवस को नाग पंचमी मनाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है। सावन कृष्ण पंचमी, सावन अमावस्या, सावन शुक्ल पंचमी या फिर सावन पूर्णिमा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सावन शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है क्या आपका नाग पंचमी का त्योहार। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स अ फेयर इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर ऑन नाग पंचमी, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की किस पहाड़ी पर हर साल नाग पंचमी पर एक मेला आयोजित किया जाता है, ए है गड़िया पहाड़, बी है उदयपुर की पहाड़ियां, सी है दलहा पहाड़ और डी है मैनपाट की पहाड़ियां, इनमें से कौन सी पहाड़ी पर नाग पंचमी में हर साल एक क्या मनाया जाता है, एक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है या एक मेले का आयोजन कराया जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी दलहा पहाड़, जहां पर नागेश्वर, नागेश्वरी, विश्वेश्वरैया ये सभी का मंदिर आप लोगों को क्या देखने मिलेगा, मंदिर देखने मिलेगा। और इस पहाड़ के सबसे टॉप पर हिल पर एक सूर्य कुंड है, ये कुंड जहां पर साल के 365 दिन पानी रहता है और यहाँ के जल में स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि सभी प्रकार की बीमारियां क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन शंखनाद किससे संबंधित है, ऑप्शन
ए है आपका छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में उद्यमिता के लिए युवाओं को आसान और विश्वसनीय ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग द्वारा मानव तस्करी के खिलाफ एक कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग द्वारा मवेशियों की तस्करी के खिलाफ कार्यक्रम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग द्वारा अवैध शराब और ड्रग्स के खिलाफ कार्यक्रम है। अ स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ टू प्रोवाइड इजी एंड रिलायबल लोन्स टू यूथ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन छत्तीसगढ़, प्रोग्राम बाय पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, प्रोग्राम बाय पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन कैटल। ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम बाय पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ अगेंस्ट इलिसिट लिकर एंड ड्रग्स। इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो हमारे मवेशियों की गैर कानूनी तस्करी हो रही थी के खिलाफ जशपुर जिले में साई टांगर टोला नामक एक जगह में पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिस पर बड़े पैमाने पर तस्कर एवं उनसे संबंधित जो इक्विपमेंट्स थे वो सभी क्या किए गए हैं, सीज किए गए हैं बाय द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ये जो साई टांगर टोला है ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित था, इसलिए यहाँ पर झारखंड की पुलिस भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गई थी। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन शंखनाद वॉज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस इन छत्तीसगढ़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन शंखनाद इन में से किस जिले में शुरू किया गया था, जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़ या फिर शक्ति। तो अभी हमने देखा जशपुर के साई टांगर टोला नामक जगह पर क्या हुआ है, ये ऑपरेशन शंखनाद को किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट उद्यम क्रांति योजना। उद्यम क्रांति योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। पहला है यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा युवा उद्योगपतियों को सस्ते और आसान ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। ऑप्शन बी है यह ऑनलाइन मोड में होगा। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्या है उद्योगपतियों को या फिर उद्यमियों को आसान एवं विश्वसनीय, आसान एवं सस्ते ऋण प्रोवाइड करने का एक स्कीम है सरकार द्वारा। यह ऑनलाइन मोड में भी होगा बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे लिए सही, क्योंकि पूछ रहा है कि क्या सत्य है उद्यम क्रांति योजना के बारे में क्या सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तमोर पिंगला गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के बारे में क्या सत्य नहीं है, व्हाट इज नॉट ट्रू पूछ रहा है, क्या नहीं है, सत्य नहीं है। इट विल बी फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़, यह छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभयारण्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, यह भारत का 56वां बाघ अभयारण्य होगा। ऑप्शन नंबर सी यह नागार्जुन सागर श्री शैलम बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश और मानस बाघ अभयारण्य असम के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य होगा। और ऑप्शन नंबर डी कि कुल क्षेत्रफल 3987.62 स्क्वायर किलोमीटर होगी। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो लास्ट वाला कथन है ये सत्य नहीं है, क्योंकि तो इसका जो एरिया है वो है 28.29.623 स्क्वायर किलोमीटर है ना। ये बिल्कुल बाकी सारे कथन बिल्कुल सत्य हैं। ये छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभयारण्य होगा, ये देश का 56वां बाघ अभयारण्य होगा और यह नागार्जुन सागर श्री शैलम जो आंध्र प्रदेश में है ये देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वो है मानस जो कि असम में है, और इन दोनों के बाद में तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा कौन, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन जो है ये है वेयर इज छत्तीसगढ़ स्टेट्स लेवल एथलेटिक्स चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन मंथ ऑफ सितंबर। छत्तीसगढ़ की राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप सितंबर माह में कहाँ आयोजित की जाएगी, राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ए है रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग या फिर डी राजनांदगांव, कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो ये आयोजित की जाएगी बिलासपुर में।
13 से लेकर के 15 सितंबर तक हमारे लिए राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप यहां पर आयोजित की जाएगी। यहां पर खत्म होता है हमारे अगस्त के हफ्ते, दूसरे हफ्ते में हमारे लिए जो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण समसामयिकी रही है उनके ऊपर बेस करके क्या MCQs। कल हम आप सभी के सामने फिर से उपस्थित होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वे सभी समसामयिकी लेकर के जो अगस्त के दूसरे हफ्ते में हमारे लिए महत्वपूर्ण। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।